टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर मैं वायरल वीडियो की खबर बता रहे हैं जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर एक कांस्टेबल पुलिस 3 स्टार पुलिस को कैसे डांट रहा है और 3 स्टार साहब कांस्टेबल की बात शांति से सुन रहे हैं। यहाँ तक कांस्टेबल ने साहब को खरी खोटी भी सुनाया है। कांस्टेबल ने 3 स्टार साहब को अपराधी बना दिया है। पहले आप देखें क्या है पूरा माजरा कांस्टेबल और 3 स्टार साहब के बीच। आपका दस्तखत लूंगा मैं जबकि नाम और आप भी अपराधी हो साहब, हो गए अपनी जगह में। मेरा फील्ड है यहाँ पे, अवैध हुआ है तो आप अपराधी हो यहाँ, और आप भी सर। मतलब तो विभागी रूप विभागी जॉब के लिए आदेश तो कुछ कागजात कुछ नहीं है ना सर यहाँ पे सर कुछ। आप रहोगे तब ना, आप तो थे नहीं। मेरे को तो कटिया को मैडम आदेश किए 4 बजे मेरे को निकलने के लिए। कल रात में 15 तारीख को आप आदेश निकाले कि आप जाइए रानी कुंडी करके मरवाही डिवीजन, वहाँ छतरी गार्ड लोड करके लाइए। 4 बजे निकला हूँ, आप लोग रात में निकलने के लिए बोले तो रात में जाके अपन रात में नहीं गए, सुबह 4 बजे निकला हूँ। कल 16 तारीख में सब काम हो गए, 16 में नहीं रहा था, रात को 12 बजे वापस आया हूँ वहाँ से मैं। और यहाँ ये सब घटना हुआ है आज, ये पूरा मीडिया प्रेस आया, इसके बाद मैं आया हूँ कि देखा हूँ क्या हुआ है। विभागीय उपयोग के लिए है ये और समिति के माध्यम। ठीक है सर, अभी मौका में जब इसका पी वार दर्ज करूंगा मैं, चलान काट के भेजवाऊंगा कसनिया जी। आप अपराधी हो, अभी दस्तखत करेंगे कि नहीं ये बताइए। यहाँ कोई साहब आप नहीं, यहाँ से चल रहा हूँ मैं, कोई आप ही साहब नहीं, अभी अपराधी हो आप मौके पर, बात मत करो। दस्तखत चलना करो, नहीं दस्तखत करने से निकाली क्यों भाई जद। क्या कहता है, दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ का है जहां पर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर बांस काटने को लेकर दोनों पुलिस कर्मचारियों के बीच विवाद लगभग आधा घंटे चले और उसी जगह पर वहां कई लोग जो है मौजूद थे। साहब की कहा सुनी देखकर वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल कर दिया। दरअसल कांस्टेबल का कहना है बिना अनुमति के बांस काटने को लेकर कांस्टेबल 3 स्टार इंचार्ज की जमकर क्लास ली। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।